बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल फर्जी इंजीनियर्स में दोस्तों, एंड आई होप आप लोग सब बहुत ही मस्त होंगे। एंड इस टाइम मैं हूँ रानी बाग में, विशाल दिख रहा होगा आपको और अभिनव साथ, और मेरे दोस्त अभिनव ने अभी रिसेंटली ली है नई बाइक जो कि है रॉयल एनफील्ड की GT 650। सो बाइक बहुत ही मस्त है, मतलब हमें तो देखे मज़ा ही आ गया। इसकी जो डिलीवरी वीडियो है उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, ठीक है, वो देखना आप पूरी डिलीवरी वीडियो, उसमें उसने प्राइस वगैरह सब कुछ बताया विशाल ने, ठीक है। तो अभी मैं बाइक का फर्स्ट इंप्रेशन, क्या क्या इसमें फीचर्स है और मेरे को बाइक कैसी लगी वो डिस्कस करने वाला है। तो आप इसके कुछ सिनेमैटिक्स एंजॉय करो, उसके बाद बाइक को आगे से पीछे फर्स्ट इंप्रेशन में देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। बना बोला ही जा रहा, ख़रीदना तो बहुत दूर की बात है, 4 लाख की बाइक में ऐसे क्या क्या फ़ीचर्स हैं और कैसी है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और इन्जॉय करना, ठीक है। चलो और ये वीडियो लास्ट तक पूरी देखना, अगर आपको GT का एग्जॉस्ट नोट भी सुनना है तो वो हम लास्ट में ट्राई कर लेंगे, पहले फीचर्स और पूरे वॉक अराउंड ले लेते हैं इस बाइक का। चलो सो ये कुछ फ्रंट लुक है इस बाइक का, पूरी रेट्रो कैफे रेसर टाइप की बाइक है और रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT 650 इस बाइक का नाम है। और आगे से शुरू करते हैं तो देखोगे आप इसमें काफ़ी बड़ी लाइट है, मतलब बहुत बड़ा साइज़ की लाइट है जिसमें हैलोजन बल्ब लगता है। इसके जो प्रोज एंड कॉन्स, मतलब बाइक के जो कुछ अच्छे फीचर हैं कुछ बेकार फीचर हैं, उनकी वीडियो हम अलग से बनाएंगे, वो देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो अभी बस केवल इसके फीचर्स को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो हेडलाइट विथ हैलोजन बल्ब और नीचे भी जो इसका छोटा वाला बल्ब है वो भी हैलोजन है। उसके बाद अगर टायर की बात कर लें तो जितना अपनी नॉर्मल रोड का पीछे वाला टायर होता है तो उतना मोटा इसका फ्रंट टायर है, 18 इंच का इसका टायर है और काफ़ी बढ़िया लगता है देखने में। और इस 18 इंच के टायर में आते हैं स्पोक्स, तो ये जो टायर है इसमें ट्यूबलेस टायर नहीं आता है, ट्यूब वाला टायर आता है और स्पोक व्हील्स आते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर फ्रंट सस्पेंशन की बात कर ले तो ये 110 mm का इसमें ट्रैवल है, 110 mm का ट्रैवल का मतलब 110 mm ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, मतलब मैक्सिमम कैपेसिटी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद ये बहुत अच्छी बात है, इसमें कंपनी से ही ये शॉकर कवर आते हैं रबड़ के, तो इससे जो ये इनका ट्रैवल है ये ऑयल सील कटने के बहुत कम चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो ये बढ़िया है, कवर रहते हैं अगर आप ऑफ रोडिंग वगैरह करते हैं। उसके बाद अगर इंडिकेटर्स की बात कर ले तो रेट्रो लुक में और ये पूरे क्रोम में इंडिकेटर्स दे रखे हैं इसमें, जिसके अंदर बल्ब आता है, ठीक है। तो ठीक लगता है, ये काफ़ी पुराने टाइप के लगते हैं, मतलब अगर आपने हीरो पुक देखी है तो सेम ऐसे इंडिकेटर उसमें भी आते थे। उसके बाद अगर कंसोल की बात कर लें तो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम और काफ़ी ज़्यादा मस्त दिखने वाला इसका कंसोल है, और अगर ऑन करें तो मस्त ऐसे स्टार्ट होना है, जब ECU स्टार्ट होता है तो ये बहुत सुंदर लगता है। जो कंसोल है बहुत बेसिक है, केवल ऑटो ट्रिप ए ट्रिप बी 3 चीज़ें आती हैं बस इसमें और कुछ नहीं, बस 3 बेसिक चीज़ें, ठीक है। और साथ में ये छल्ला तो अलग से ने ख़रीद रखा है, तो आगे आपको रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग दिख जाएगी और मस्त ये पूरा बाइक का लुक है। उसके बाद जो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो आते हैं ये साइड मिरर्स आते हैं, तो इसमें लोग क्या करते हैं मोस्टली बार एंड मिरर्स लगाते हैं, तो वो बहुत सुंदर लुक आता है उनके साथ, तो वो हमने भी ऑर्डर कर रखे हैं और जब वो आ जाएंगे तो एसेसरीज़ वाली वीडियो में उस चीज़ को कवर करेंगे। साइड से अगर आप टंकी को देखें, इसकी 12.5 लीटर की टंकी है जिसमें 1.5 लीटर आपका रिज़र्व रहता है। टंकी पे जो डिज़ाइन है कलर, हर कलर के एक्स्ट्रा अलग अलग पैसे हैं, बहुत सारे कलर्स आते हैं, ये है डक्स डीलक्स कलर, ठीक है, और बहुत सुंदर लगता है देखने में। उसके जस्ट नीचे आपको मिलेगा इंजन, इंजन इसका टू बी एग्जैक्ट 648 cc का इंजन है, ठीक है। और आप अगर देखोगे तो पूरा क्रोम में दे रखा है इंजन और डुअल एग्जॉस्ट के साथ आता है, तो जिसका लुक बहुत ही सुंदर लगता है। 648 cc का ये इंजन है, ठीक है, और 52 Nm का इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और ये कट देख के आप समझ ही गए होंगे, रॉयल एनफील्ड के और बाइक्स की तरह ये एयर कूल्ड आती है, प्लस ये रेडिएटर ग्रिल लगा रखी है हमने, तो ये इसका रेडिएटर है, तो ये ऑयल कूल भी है, तो मतलब ऑयल कूल प्लस एयर कूल्ड इंजन है इसका 648 cc का। उसके बाद इसके आगे बात कर लें तो ये जो इसका
ब्रेक लीवर है, आप देख पा रहे होंगे। तो जैसे अपनी नॉर्मल बाइक्स में गियर लगाने का होता है, वैसा इसमें ब्रेक का है। और सबसे मेन चीज़ मैं दिखाना भूल गया कि इसकी जो डिस्क ब्रेक की डिस्क है वो 320 mm की है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी है। इस साइज़ की डिस्क मैंने तो अभी तक नहीं देखी। आपने किसी और बाइक में इतनी बड़ी अगर डिस्क देखी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। और ये बाइक डुअल चैनल ABS के साथ आती है, तो ये जो अपनी ABS की रिंग है ये आपको दिख रही होगी। उसके बाद आगे बात कर लें अगर बाइक में, क्रोम इंजन के बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हो साइड में कॉन्टिनेंटल GT 650 Twin, इसकी ब्रांडिंग मिल जाएगी आपको ब्लैक कलर के एक पैनल में, बढ़िया लगता है। उसके जस्ट पीछे इसके जो ट्विन एग्जॉस्ट के ऊपर ट्विन शॉकर एब्जॉर्बर दिख रहे हैं उनको, स्प्रिंग कॉइल वाले हैं ये, और इनके साथ एक छोटा सा ये ऑयल चेंबर दे रखा है इन्होंने गोल्डन कलर का, जो दूर से देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। और ये अपने साथ ही यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं, तो हमारी मेहनत के लिए, क्योंकि हम इतनी भरी धूप में ये वीडियो बना रहे हैं रानी बाग में इतनी दूर आके, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है ना। तो वापस आ जाते हैं बाइक पे। तो पीछे आपका जो 18 इंच का टायर है सेम वही काफ़ी ज़्यादा थिक है, लगभग आगे और पीछे के दोनों टायर की थिकनेस बराबर ही है। 18 इंच का टायर है, पीछे की जो डिस्क है इसकी 240 mm की डिस्क है, ठीक है, और आगे 320 mm की, बहुत बड़ी है, पीछे नॉर्मल साइज़ की, और साथ में इसमें भी ABS है ही, ठीक है। पिलियन के अगर आप फुटपैक्स देखेंगे इसमें काफ़ी ऊपर है, और ये बाइक की जो पोजीशन रहती है वो काफ़ी अपराइट रहती है, क्योंकि ये कैफे रेसर टाइप की बाइक है, ठीक है। और एक चीज़ जो मैंने मिस कर दी थी वो है इसके हॉर्न्स, अगर आप देखोगे इसमें डुअल हॉर्न्स है, दोनों तरफ आपको दिख रहे होंगे, तो जो उसका हॉर्न है लगभग गाड़ियों के टक्कर का है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ है, ठीक है। और कुछ एसेसरीज हमने इसमें ऑलरेडी अभी लगा दिए हैं, जैसे ये रिजर्वायर कैप और ये अपनी रेडिएटर ग्रिल, बट और चीज़ें भी हमने ऑर्डर कर रखी हैं, तो जब वो आ जाएंगी उसके बाद हम एसेसरीज़ की एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। तो ये एक पूरा वॉक थ्रू था इस कॉन्टिनेंटल GT 650 का, और अभी आप देख पा रहे होंगे नंबर प्लेट भी नहीं आया है। और अगर बैक लाइट की बात कर लें काफ़ी ज़्यादा रेट्रो लुक में, और अगर आपने राजदूत देखी है सेम इस टाइप की ही लाइट उसमें आती है, अगर आप इस बात से एग्री करते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में येस एंड नो ज़रूर लिखना, ठीक है। उस टाइप की रेट्रो लुक में इसने बैक लाइट दी है, और डुअल एग्जॉस्ट, और ये पूरा बाइक का लुक है ग्रीन बैकग्राउंड में, बहुत सुंदर दिखती है। और फर्स्ट राइड इम्प्रेशन है उसकी, हम अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। ये कुछ मेन फीचर्स थे इस बाइक के कॉन्टिनेंटल GT 650 के, और भी आगे वीडियोस आएंगी, इसके डिटेल्ड रिव्यू डालेंगे हम। अभी टेस्ट ड्राइव कर रहे हैं इसकी, लगभग 500-1000 किलोमीटर के बाद एक रिव्यू वीडियो डालेंगे, हमें क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या क्या इसमें हीटिंग इश्यूज़ आ रहे हैं, एग्जॉस्ट नोट कैसा है इस बाइक का, और सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे आगे की वीडियोज़ में। अभी ये वीडियो लंबी हो जाएगी अगर हम हर एक चीज़ इसी वीडियो में डाल देंगे, ठीक है। तो तब तक चैनल में बने रहना, और ऐसे ही आगे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आएंगी, तो इन्जॉय गाइज, और अपना ध्यान रखना, मस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय बाय, बिना सब्सक्राइब करें मत जाना। ये काफ़ी मशक्कत, चलो भैया स्टार्ट करो, नॉर्मल छोड़ दे अभी बिना एक्सीलेटर के, तो ये आप सुन पा रहे होंगे डुअल एग्जॉस्ट है, दोनों से मस्त तेज हवा आ रही है, अब कर रहे हैं बस।